Recording in progress. Invalid character used letters numbers. कोई चीज है जो मैंने मिस की हो कॉन्फ़िगरेशन कोड देखें इसकी यही सब आपको पता होनी चाहिए जो MySQL कोड यूज करता है वो करता है 3306 तो डिफॉल्ट कैसे देते हैं वो खुद ही जो इसका डिफॉल्ट है वही डिफिकल्ट ज़्यादा करता है बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे अगर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए 3306 आई थिंक गुड इनफ। अब मैं इस पर सिर्फ क्लिक करता हूँ लाइक दिस लेट्स सी क्या करता है सर मॉनिटरिंग के चार्जेस होते हैं? हाँ बिल्कुल कुछ सर्विसेज में है कुछ सर्विसेज में नहीं है ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ रही है अब या अब इसको ना आईडी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं किसी भी आईडी के साथ। मेरे पास यहाँ पे MySQL SQL वर्ड बेंच आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत आसान भी SQL इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर आप चाहें तो आप यूज कर लीजिएगा बहुत इजी है इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है डाउनलोड GUI टूल हमें यूज करना है। अब ये देखें ये इधर लेके आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके विंडोज है तो आप विंडोज यूज कर रहे हैं मैक है तो मैक के लिए DMG है और लिनक्स है तो लिनक्स के लिए SSH यूज करें। तो मैं ये आपसे शेयर करता हूँ अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये यूज कर लीजिएगा। वर्ड ब्रेंच थोड़ा सा हैवी भी है और मैंने भी काफ़ी टाइम हुआ तो वर्ड ब्रेंच को यूज नहीं किया हुआ तो मेरे पास मौजूद है तो मैं डाउनलोड भी करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये शेयर करूँगा कहाँ पर शेयर करूँगा ये और चैट में पास ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है चलिए अब डेस्कटॉप पे चल यूज करूंगा जब मेरे पास ये चल जाएगा। स्टेटस स्टिल क्रिएट ये क्रिएटिंग हो जाएगा ना तो आपके पास यहाँ पे ना इसको कनेक्ट करने के लिए URL पे मिल जाएगा। अभी तक एक्टिव नहीं हुआ ये जीरो कनेक्शंस यहाँ पे ना एंड पॉइंट एंड पोर्ट आ जाएगी तो चल जाए ना तो हो जाएगा क्रिएटिंग नहीं होगा। तो ठीक है ये RTS था इन सिंपल वर्ड्स ये आपने किया ये हो गया इसका बैकअप
ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके आप यहाँ से स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। ये रहा एक स्नैपशॉट, जैसे हम EBS में लेते थे और फिर किसी भी और जगह डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पे हम रिस्टोर करवा सकते हैं, तो वो तो मसला ही नहीं है। लेकिन एक दो भाई ये चल रहे ना, तुम आपको कनेक्ट करके दिखाता। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, कनेक्शन है PIAIC। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दे रहा है कि होस्ट नेम क्या है मेरा। मेरा होस्ट नेम तो है भाई ये, और यूजर नेम एडमिन नहीं था ना मेरा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, और पासवर्ड admin123। अब हम करके देखते हैं टेस्ट कनेक्शन, इससे पता चल जाएगा कि ऑल इज गुड और नॉट। टेस्ट कनेक्शन कहां से हो गया होगा।
आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, अब बेहतर है? गुड, अच्छा ये रहा सिक्योरिटी को इसको एडिट कर, सर नो वॉइस अगेन। हाँ अभी तो उसमें अभी सिक्योरिटी ग्रुप पे काम कर रहा था, लेट्स सी। ठीक है, क्या हो गया? परमिशन का इश्यू था वही वाला कि हमने 3306 को अलाउ नहीं किया था, हमने अलाउ किया, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है भाई आ जा, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये खुल गया। क्या मैंने वहां पे डेटाबेस का नाम क्या रखा था याद है? पीआईसी डेमो रखा था यार। ठीक पीआईसी है, तो ये देखिए, ये यानी आप समझे कि अब ये मैं अपने माई सीक्वल के ऊपर कनेक्ट हो गया हूँ। कौन से वाले माई सीक्वल पे? जो अभी हमने आरडीएस सर्विस के अंदर बनाया। अब यहाँ पे आप अपना एंड जो भी आपके टेबल्स और सारी चीजें होती है तो यहाँ पे सारी चीजें शो हो जाती है। तो अगर डेवलपर्स को अगर देना है तो आप अपना ये वाला एंड पॉइंट देते हैं और आईडी पासवर्ड ये वाला शेयर करते हैं, या तो आईडी पासवर्ड हम IAM वाला भी यूज कर सकते हैं वहां से बना के। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि टोकन की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। ऑथेंटिकेशन टोकन के बाद हम इसकी आरडीएस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ ये कहाँ पे था। हमारे पास एक टॉपिक में था अभी, ये रहा। अगर हमें IAM ऑथेंटिकेशन वाला चाहिए तो करना क्या होता है, यहाँ पे देखें दो चीजें मौजूद है। एक IAM रोल मौजूद है आपके पास जो कि EC2 के साथ अटैच होगा। EC2 का मतलब यही है कि आपने सर्वर या एप्लीकेशन आपके यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप एक टोकन जनरेट करवाएंगे और वो टोकन की मदद से फिर हम MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका जो मैंने शेयर किया आपसे, आईडी और पासवर्ड। यूजुअली जो हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम AWS का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे तो फिर हम आईडी और पासवर्ड से ही हमेशा यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं पूरा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन भी IAM रोल से करवाते हैं तो फिर वही टोकन सब जगह पे एक्सेस हो जाता है। ये एक अच्छी चीज है इसकी। और उसके लिए फिर हम अगर हम ऑथेंटिकेशन वाला और ये सारे जो काम करते हैं वो करते हैं कॉग्निटो से। किससे करते हैं? तो कॉग्निटो से। वो फिर हम देखेंगे AWS कॉग्निटो की जब हम सर्विस पे जाएंगे। तो RDS का टॉपिक आज का जो था वो यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वाली दोस्त? यार ये वही वाली प्रेजेंटेशन है आपके पास, जो लिंक आ गई होगी। देखें अभी खोल के देखें, होना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा, URL की बात कर, इस कौन से वाले URL? मेरे दोस्त वही तो कह रहा हूँ, ये URL पुराना वाला ही है और इसमें इस पाइप को अपडेट करता रहता हूँ हमेशा। सवाल सर कोई कोई टॉपिक्स दिए गए हैं सॉरी, कोई कोई टॉपिक दिए गए एक आरडीएस हाँ अब बोलें, काफी शोर कम हो गया। अच्छा मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं एक दफा। और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। हाँ जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं सर मैं कह रहा था कि आज टॉपिक कौन से एक तो आरडीएस अभी क्लियर किया कुछ नया ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सिर्फ तो एक टॉपिक पे आप? बता दो आज हमने कोई दो का आज हमने दो टॉपिक्स देखे थे, ऑटो स्केलिंग देखा था और एक RDS देखा था। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह Route 53 देखेंगे। डाउट Route 53, 53, 53, किसी ये एक्चुअली DNS मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो जिस तरीके से सर S3 के बारे में कुछ बताएंगे आप?
बिल्कुल बताएंगे, सर्विसेज हैं हमारे पास, आगे आईएसपी भी है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। यार एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें मैस हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, शुरू की हुई है प्रैक्टिस, शुरू से पहले चैप्टर पहले टॉपिक से शुरू की हुई है प्रैक्टिस, दोबारा से क्लीन जबरदस्त, बस प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये सारी चीजें आप लोग भी मेरे साथ सिंक होके चलें तो ज्यादा बेहतर है। ताकि अभी मसला ये आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि क्लास के अंदर कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो प्रैक्टिस कर रहा हो, सबको मुझे यही फील आ रहा है कि बस वो संडे की क्लास लेके ना अभी फारिक फारिक तो खैर नहीं होंगे डेफिनेटली, मतलब उस सेंस में कह रहा हूँ कि बस संडे की क्लास ली और फिर खत्म, और फिर वापस नेक्स्ट संडे की क्लास में आएंगे फिर देखेंगे जो भी होगा। क्योंकि अब सबसे अच्छा बड़ा मसला पता है क्या है इसमें, मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वीडियोस आपके हाथ में है ना, वीडियोस जब आपके हाथ में है ना तो फिर आप थोड़े से चिल हो जाते हो कि यार चलो यार वीडियोस तो है ना आज, नहीं तो मैं फिर कल देख लूंगा, एक वीक नहीं दूसरे वीक देख लूंगा। तो ये एक मसला है वीडियोस का, ये मैंने फील किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियोस नहीं होती तो आप मुझे ये बताएं कि नहीं क्या ऐसा होता, सर, ऐसा नहीं होता, बाकी बात सही है कह रहे ना? हैं, चिल हम इस तरह से थोड़े लेजी हैं। तो आई एग्री, तो खैर कोई आगे मसला नहीं है, लेकिन कोशिश बढ़िया, कीजिए कि थोड़ा सा जल्दी अपने आप को अपग्रेड करें। सर एक ये रिक्वेस्ट, तो रिसेंट जो है वीडियोस ये अपलोड नहीं हुई हमारे बिल्कुल पोर्टल पे, बिल्कुल वाली